বাংলাদেশের পক্ষে কে আসবে, ভারতের পক্ষে কে যাবে, পাকিস্তানের পক্ষে যাবে না ইন্ডিয়ার পক্ষে? তোমাদের জেনারেলের বইগুলাই পড়ে দেখো। আমার শত্রু, তাদের শত্রুর কাছে তো শত্রুতাই পাবা। বলো যে ওদের সাথে বন্ধুত্ব করতে হতো বাঙালিদের একটু হলেও। বা ট্রেনিং তো যে কেউ দিতে পারবে, কিন্তু ট্রিগারটা দাবানোর সাহসটা তো মনের মধ্যে থাকতে হবে, সেটা বাঙালিদের মধ্যে ছিল। আমাদের সব জ্ঞানীদেরকে মেরে ফেলেছে, না খেতে পেরে মারা যাবে। আর একটা বন্ধ হলে আর একটা পথ খোলা থাকবে। 24 কোটি আর কোথায় 130 কোটি। যুদ্ধক্ষেত্র কখনো T20 ম্যাচ হয় না, এটা হবে। তারা একটা স্বাধীন ইন্ডিয়ান হিসেবে এখন কিন্তু বসবাস করছে। হাস্যকর এটা টোটালি। স্বাগতম সবাইকে বিচ্ছু রিয়াকশনে। আমরা চলে এলাম আপনাদের সঙ্গে আরো একটি ভিডিও শেয়ার করার জন্য। আর আজকে আমরা যে ভিডিওটি দেখব, এটি হচ্ছে মেজর গৌরবের একটি ভিডিও। ভিডিও টাইটেলটি হচ্ছে মেজর গৌরব আরিয়া ওপেন্স আইজ অফ এভরি পাকিস্তানি। তো এটা উনি ভিডিও শেষে ব্র্যাকেট দিয়ে লিখে দিয়েছেন, মাস্ট ওয়াচ। অ্যাকচুয়ালি জানি না উনি আসলে কী ধরনের কথা বলতে চাচ্ছে পাকিস্তানের সম্পর্কে, এবং তারা তাদের চোখ কীভাবে খুলে দিচ্ছে সেটা আমাদের পুরো ভিডিওটা দেখার পরে আমরা আসলে এক্সপ্লেন করতে পারবো যে আসলে উনি কোন জায়গাটা ফোকাস করেছে অ্যাকচুয়ালি। হ্যাঁ, আর ভিডিওটি আমরা প্রথম দেখছি, তো এটা সম্পর্কে আমাদের কোনো আইডিয়া নাই। তো ওনার এই ভিডিওটি আমরা নিয়েছি ইউটিউব চ্যানেল ডিফেন্সিভ ওফেন্স থেকে। আর ওনার অরিজিনাল ভিডিওর লিঙ্কটি আমাদের ভিডিওর নিচে ডিসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে, চাইলে আপনারা সেখান থেকে অরিজিনাল ভিডিওটিও দেখে নিতে পারেন। তো চলুন সবাই ভিডিওটি দেখে আসি। চলুন দেখে আসি। পাকিস্তান মে দহশতগর্দ হ্যাঁ তো মা ঝুটা হো গিয়া। ইমরান খান নে ওহি বাত বোলি কি 40,000 দহশতগর্দ হ্যায় পাকিস্তান কে আন্দর, ও স্টেটসম্যান হো গিয়া। পাকিস্তানি ফৌজ এক বহুত বড়া কব্জা গ্রুপ হ্যায়, ও ইনহোনে সিরফ কশ্মীর পে কব্জা নহীং করা, ইনহোনে DHA কে জো প্লটস হ্যায় ইয়ে সব কব্জা গ্রুপস হ্যায়। पाकिस्तान में जो सबसे पॉश सोसाइटीज हैं, डिफेंस हाउसिंग की है, वो बड़े बड़े जर्नल, बड़े ब्यूरोक्रेट्स, बिजनेसमैन DHA में रहते हैं। फिर कहते हैं कि तुम लोगों ने मुक्ति वाहिनी ट्रेन करी। हाँ करी थी इंडियन आर्मी ने ट्रेन मुक्ति वाहिनी, रॉ ने करी थी ट्रेन मुक्ति वाहिनी। हमने हथियार पकड़ाए बंगालियों को, हमने सिखाया उनको, हमने सिखाया हथियार चलाना, हमने सिखाया कि ये जो टेलीफोन के तार हैं कैसे उड़ाने हैं, कैसे तार काटने हैं। हमने बोला कि बिजली के तार कैसे काटने हैं, रेल की पटरियाँ कैसे उड़ानी है बारूद से, ये हमने सिखाया। लेकिन जो जज्बात थे उसके पीछे वो हमने पैदा नहीं करे। इंडिया इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ मुक्ति वाहिनी। मुक्ति वाहिनी बनी है 30 लाख बंगालियों की गर्दन काटने के बाद, 10 लाख बंगाली औरतों के रेप के बाद, तब बनी है मुक्ति वाहिनी। जनरल टीका खान ने यह बोला कि मैं बंगालियों की नस्ल बदल दूंगा। पाकिस्तानी आर्मी ऑफिशियली ऑर्डर्ड द रेप ऑफ बंगाली वुमेन। होमोदूर कमीशन रिपोर्ट में लिखा है, इट्स ऑन रिकॉर्ड। आपके जर्नल ने, जिसको बुचर ऑफ बंगाल कहते हैं, और बाद में वही आपने उसको माथे पे जो चढ़ा दिया, आपको लगा कि ये भी गजनवी और गौरी टाइप का ही है, आपने उसको माथे पे चढ़ाया, उसने जाके वो बाद में बुचर ऑफ बलूचिस्तान बना। उस डीलर ने अपने दोस्त से बात करी कि मुझे इतना बड़ा ऑर्डर मिला है। वो दोस्त था रॉ का एजेंट। मैं पाकिस्तानियों को वाजे तौर पर बता दूँ कि आपकी फौज का एक बंदा सियाचिन ग्लेशियर के 1 स्क्वायर फुट पर भी नहीं है। There is no Pakistan army on Siachen Glacier, it is only the Indian army. ये नीचे है स्कर्दू में, ये उसी को सियाचिन मानते हैं, ये लाहौर को सियाचिन बोलते हैं इनकी। वो ब्रिगेडियर सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते पाकिस्तान की रैंक्स की, एक दिन वो बन गया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी। उस ब्रिगेडियर का नाम था ब्रिगेडियर परवेज मुशर्रफ। परवेज मुशर्रफ ने इसीलिए कारगिल की लड़ाई लड़ी, क्योंकि वो चाहता था कि सियाचिन को आइसोलेट करें। बहुत एग्रेसिव प्लानिंग है उनकी, बहुत आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है पाकिस्तानी आर्मी की, बट दे लैक द विल पावर टू यू नो कैरी इट फॉरवर्ड, कैरी इट थ्रू। ये लोग सोचते हैं T20 का मैच है। ओ भाई, जंग T20 नहीं होती, जंग टेस्ट मैच है। 5 दिन धूप में खड़ा होना पड़ता, तब जाके वो जीते हार का फैसला हो। इमरान खान को बोल दिया बेवकूफ की तरह बेचारा हो कि कभी किसी से जहाज मांगता, जैसे उबर गायब होगा ना, जहाज कभी वो सऊदी अरब का जहाज़ मांग लिया, कभी किसी का जहाज़ मांग लिया, यहाँ पे चला गया, वहाँ पे चला गया, इससे बात कर ली, होगा क्या? आप कश्मीर कश्मीर कर रहे हैं, कह रहे हैं मैं सफ़ीर बनूंगा कश्मीर का, मैं एम्बेसडर हूँ कश्मीर का। भाई तू पाकिस्तान का एम्बेसडर बन जा पहले। ऐसा नया पाकिस्तान बना है वैभव, इतना खूबसूरत पाकिस्तान बना है कि 5 से लेकर 2.5 पर आ गई इनकी GDP। उसने नया प्रॉमिस करा था, उसने बेहतर पाकिस्तान प्रॉमिस नहीं करा था इमरान खान ने, उसने नया बोला था भाई 5 से 2.5 पे आ गए, नया हो गया। आप भारत के बारे में झूठ बोलेंगे, आपको भारत से रिस्पॉन्स मिलेगा। आप झूठ बोलना बंद कर दीजिए, हम भी अपनी बंद कर देते हैं, क्या फर्क पड़ता।
आप यही तो कहते हैं ना कि नफरत की दुकान चलाते हो, तो हम अपनी दुकान बंद कर लेते हैं ना, मान लेते हैं आप कह रहे हैं दुकान है, आपने बोला साहब, ठीक है लो शटर डाउन कर दिया। और पाकिस्तानियों से एक आखिरी बात कहना चाहूँगा, यू वॉचिंग डिफेंसिव ऑफेंस, आई एम मेजर गौरव आर्या, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, एंटीबायोटिक डोज है रखते आपको देता हूँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। वैभव, मुझे काफ़ी पाकिस्तानियों की तरफ से डायरेक्ट मैसेजेस आते हैं, DMs आते हैं, और कुछ जो सवाल वो पूछते हैं, मुझे लगा मैं आज उसका जवाब दे दूं, क्योंकि सवाल तमीज़ से पूछे गए हैं, वो गाली गलौच नहीं करते, कोई गाली गुफ्तारी नहीं है उसमें, कुछ बुरी बातें नहीं हैं, और बड़े अदब के साथ उनको ऐसा लगता है कि, और पूछते भी हैं मुझसे, कहते हैं कि मेजर साहब आप इतना जहर क्यों उगलते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, इतना बुरा क्यों बोलते हैं, सवेरे से लेकर रात तक आप कुछ ना कुछ बोलते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, हम जानना चाहते हैं वजूहात क्या है। वैभव, मैं इसलिए जवाब दे रहा हूँ क्योंकि उन्होंने तमीज़ से पूछा है, तो जाहिर सी बात है हमें भी तमीज़ से ही बात करनी चाहिए। मैं तमीज़ से बोलकर ही उनको समझाने की कोशिश करूँगा, अपना मौजू, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे तर्कश में बहुत तीर हैं, और जिस तरीके से जिस जबान में सवाल पूछा जाए मैं वो कैपेबिलिटी रखता हूँ, मैं वो सलाहियत रखता हूँ कि उसी जबान में जवाब दूँ। तो आज मैं बड़े तमीज़ से, बड़े प्यार से उनको बताता हूँ, देखिए जिसको आप कहते हैं ट्विटर पे जहर उगलना, या फिर कहते हैं आप सोशल मीडिया पे उल्टा सीधा बोलना, मुझे पाकिस्तानी आवाम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मुझे पाकिस्तानी आवाम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। क्यों परेशानी नहीं है? मुझे इसलिए परेशानी नहीं है क्योंकि मैं आपको जानता तक नहीं हूँ, मैं आपसे मिला नहीं, जिससे मैं मिला नहीं हूँ मुझे उससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, खुद सोचिए। मैं जानता नहीं, आपका नाम कुछ भी हो, ABCD आपका जो भी नाम हो, मैं आपको जानता नहीं। दूसरी चीज़ है, मेरी परेशानी जो है पाकिस्तानी डीप स्टेट के साथ है, मेरी जो परेशानी है वो पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी मिलिट्री इंटेलिजेंस, पाकिस्तानी ISI और कुछ इनके पॉलिटिकल लीडर्स से है। वो परेशानी क्यों है मुझे? पाकिस्तान अपने मुल्क के अंदर जो मन चाहे करे, उसका खुद का मुल्क है, और कम से कम हम ये मान के चलते हैं कि खुद मुख्तार है, हम मान लेते हैं कि खुद मुख्तार है, अब इनको बुरा लगेगा जब मैं बोलूँगा, लेकिन हम मान के चलते हैं कि खुद मुख्तार है, इंडिपेंडेंट कंट्री है। लेकिन ये बात ऑन रिकॉर्ड कहना बहुत ज़रूरी है कि ये जो जिसको कहते हैं कोट अनकोट जहर उगलना है, हमने शुरू नहीं करा था, हम जवाब दे रहे हैं, और जवाब देने का हक सबको है। हम इसलिए जवाब दे रहे हैं क्योंकि सवाल पाकिस्तान ने पूछा था, और पाकिस्तान ने सवाल सोशल मीडिया पर पूछा था, इसलिए जवाब भी सोशल मीडिया पर। आपने मेरा ट्विटर हैंडल देखा, आपने कभी उसमें कोई गाली गलौच नहीं देखी होगी, कभी कोई उल्टी सीधी बात नहीं देखी होगी, एंड आई ट्राई टू कीप इट फैक्ट बेस। मैं अपना व्यू देता हूं क्योंकि मैं एक एनालिस्ट हूं, तो जाहिर सी बात है मैं अपना व्यू दूंगा, लेकिन मैंने कभी किसी को गलत बात नहीं करी। कोई ये नहीं कह सकता कि साहब हमारी फैमिलीज भी हैं ट्विटर पे और आपने उल्टी सीधी बात कर दी, लेडीज़ भी हैं, बच्चे भी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप मेरा हज़ारों ट्वीट है मेरे, आप कोई सा भी ट्वीट देख लीजिए। दूसरी चीज़, ये झगड़ा पाकिस्तान ने शुरू करा, स्पेसिफिकली DGISPR ने शुरू करा, उल्टी सीधी बातें बोलना, झूठे प्रोपेगेंडा के वीडियोस बनाना, ट्विटर पे झूठ बोलना, ये सब DGISPR ने शुरू करा। और जाहिर सी बात है अगर उन्होंने ये मान ही लिया है कि हम उनके दुश्मन हैं, और हमने मान लिया है कि वो हमारे दुश्मन हैं, फिर दुश्मन से आप क्या उम्मीद रखते हैं? वो करेगा, कोई बात नहीं, स्वागत है आपका, यू वेलकम, आप करें, हम भी जवाब देंगे, लेकिन उसका भी स्वागत होना चाहिए फिर क्योंकि कहीं ना कहीं जज्बाती ना होके लेट्स फाइट अ गुड फाइट, लेट्स फाइट अ गुड फाइट। पाकिस्तान ऐसा क्यों करता है? पाकिस्तान इसलिए करता है क्योंकि सारी जंगें वो हार चुका है। अभी यौम दिफा और पता नहीं कौन कौन से दिन पाकिस्तान में मनाते हैं, मैं 2-3 मिनट में इन पूरे जो भी जितने भी यौम हैं इनके, मैं आपको बता दूं इनकी सच्चाई क्या है। और मैं चाहता हूं कि जो मैं बोल रहा हूं, पाकिस्तानी अपने जर्नलों की लिखी हुई किताबें, आप कहते हैं मेजर जहर उगल रहा है हमारे ऊपर, कोई दहशतगर्द नहीं है, एक हफ्ते के बाद इमरान खान कहता है 40,000 दहशतगर्द है। भाई मैं क्या बोल रहा था? मैं तो यही बोल रहा था, मैंने बोला पाकिस्तान में दहशतगर्द हैं, तो मैं झूठा हो गया? इमरान खान ने वही बात बोली कि 40,000 दहशतगर्द हैं पाकिस्तान के अंदर, वो स्टेट्समैन हो गया। उन्हें बोल रहा था गलत चीज है,
जो सच है वो सच है, झूठ है झूठ है। 1947 में पाकिस्तानी ये कहते हैं कि हमने कश्मीर हत्या लिया, आई एम सॉरी, ये फिर इनको झूठ पढ़ाया गया है। ये इनका सब्जेक्ट होता है पाकिस्तान स्टडीज, जिसमें कि पूरा का पूरा मतलब जिसको कहते हैं ब्लैक बोर्ड साफ कर दिया। 1947 में जब पाकिस्तानी कबाइलियों ने, पाकिस्तानी फौज ने कश्मीर पे अटैक करा था, उस वक्त इमरान खान बोलते थे कश्मीर का महाराजा था, उसने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन नहीं करा था। यानी कि टेक्निकली स्पीकिंग जब पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी कबाइली कश्मीर में घुसे, कश्मीर उस वक्त ना भारत का हिस्सा था ना पाकिस्तान का हिस्सा था। जितने भी 550-600 प्रिंसली स्टेट्स थे भारत में, उन सबको चॉइस दी थी ना कि आपको इंडिपेंडेंट रहना है, कि आपको भारत का हिस्सा रहना है, कि पाकिस्तान का हिस्सा रहना है। सब लोगों ने अपनी चॉइस दी। जब सब लोगों ने अपनी चॉइस दी तो कश्मीर को भी चॉइस देनी थी। कश्मीर का जो महाराजा था जम्मू एंड कश्मीर का, उसने डिले करा मामला। जब उसने डिले करा तो उसके बाद पाकिस्तानियों ने उसका फ़ायदा उठाया, पाकिस्तान ने अटैक करा। जब पाकिस्तान ने अटैक करा तो महाराजा ने फिर हमसे हेल्प मांगी कि साहब आप हमारी हेल्प करें। इंडिया ने बोल दिया कि हम आपकी हेल्प कैसे करें, आप तो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, तो या तो आप हिंदुस्तान का हिस्सा बने। उसने बोला ठीक है। ही साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन 26-27 अक्टूबर को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ। इमीडिएटली 1 सिख और 4 कुमाऊँ, पहले 1 सिख आई फिर 4 कुमाऊँ आई, ये दोनों यूनिट्स थी जिन्होंने लैंड करा और पाकिस्तानियों को पुशबैक करने की कोशिश करी। काफ़ी हद तक पुशबैक भी करा, जहाँ तक पुशबैक करा, जब तक यूनाइटेड नेशंस का सीज फायर अनाउंस नहीं हुआ। तो उन्हें এখানে বলতে যাচ্ছে যে যখন 47 ভাগাভাগি হয়েছে তখন প্রত্যেকটা স্টেটকে সুবিধা দেওয়া হয়েছিল। যেমন ছিটমহলের ক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু বলা হয়েছিল যে বাংলাদেশের পক্ষে কে আসবে, ভারতের পক্ষে কে যাবে, তাদের একটা স্বাধীনতা ছিল। তো এখানেও হচ্ছে উনি যেটা বলতে যাচ্ছে সে ওই সময়তেও স্টেটদেরকে বলা হয়েছিল যে তোমরা পাকিস্তানের পক্ষে যাবে না ইন্ডিয়ার পক্ষে থাকবে, এবং সবাই সবার ডিসিশন জানিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু কাশ্মীরের রাজা তখনও ডিলে করছিল, কারণ সে একটা স্বাধীন রাষ্ট্র চাচ্ছিল। আবার কেউ যদি স্বাধীন থাকতেও চায় সেটাও তাদের আপত্তি ছিল না, কিন্তু উনি একটু ডিলে করে। বেশিরভাগই লোক যখন ইন্ডিয়ার পক্ষ নেয় আর যারা পাকিস্তানের পক্ষে তারা তো অলরেডি পাকিস্তানের পক্ষ নিয়ে নেয়, কিন্তু যখন মহারাজা ওখানে ডিলে করে সে আসলে চাচ্ছিল যে হয়তো বা সে স্বাধীন রাষ্ট্র তৈরি করবে সেরকম কিছু একটা, কিন্তু পাকিস্তানিরা সেই সুযোগ পায় না। এই সুযোগটাতেই পাকিস্তানিরা ওখানে হামলা করে দেয়। তব তক পুশব্যাক করা, যহাঁ তক ও পুশব্যাক কর চুকে থে ইয়ে লোক, উসকো সিজফায়ার লাইন বাতায়া। 1972 কে বাদ ইসি কো লাইন অফ কন্ট্রোল কা নাম दे दिया गया। अब आप देखिए, पाकिस्तान ने भी 2 अग्रीमेंट साइन करी थी। पाकिस्तान अरसे में कहा 1947-48 यूएन रेजोल्यूशंस, कश्मीर, कश्मीरियों को उनके हकूक कौन दिलवाएगा, और भारत ये कर रहा है। ये दुनिया भर के ड्रामे, इनको अपना इतिहास, पाकिस्तानियों को अपनी तारीख खुद नहीं पता। पता नहीं ये क्या पढ़ते हैं स्कूलों में, क्या काम करते हैं लोग, आई डोंट नो, बट दे शुड बी अवेयर कि स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट साइन करी थी पाकिस्तान ने। इट्स ऑन रिकॉर्ड, आप खुद जाके अपने हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स देखें। आपने स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट साइन करी है, आपने खान ऑफ कलात के साथ साइन करी थी, आपने जम्मू एंड कश्मीर के लिए साइन करी थी, आपने वो वायलेट करी, आपने ये वायलेट करी। खान ऑफ कलात के बाद कोई खास फौज नहीं थी, आपने बलूचिस्तान निगल लिया इलीगली, आपने इलीगली गलत तरीके से बलूचिस्तान को पूरा आपने पाकिस्तान में मिला लिया, कश्मीर के साथ इंडियन आर्मी अब आ चुकी थी। जम्मू एंड कश्मीर इंक्लूडिंग पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर इज एन इनएलियनेबल पार्ट ऑफ इंडिया, वो भारत का हिस्सा है। और क्यों है भारत का हिस्सा, मैं आपको बताता हूं। कश्मीर का नाम आता है ऋषि कश्यप से। ये भारत का हिस्सा आज से नहीं, 5000 साल से भारत का हिस्सा है। पाकिस्तानियों को ऐसा लगता है कि जिस दिन यूनाइटेड नेशंस ने वो साइन करा कि साहब यहाँ पे प्लेबिसिट हो, और उसकी भी शरायत हैं जिनके बारे में पाकिस्तानियों को कुछ पता ही नहीं है। वो तो कहते हैं जी ऐसा कल करवा लीजिए, जैसे इनके रावलपिंडी में चुनाव हो रहे होंगे। लेकिन इनको ये पता होना चाहिए कि उसकी भी शरायत थी। लेकिन उसके पहले क्या हुआ था आपको जानना ज़रूरी है ना। उसके पहले क्या हुआ था, उसके पहले ये हुआ था कि वहाँ पे ये जो पूरा एरिया है शामिल POK, ये भारत का हिस्सा था, जो कि पाकिस्तान ने गलत तरीके से, ये अवैध कब्ज़ा जिसको कहते हैं, ये पाकिस्तानी फौज एक बहुत बड़ा कब्ज़ा ग्रुप है,
इन्होंने सिर्फ कश्मीर पर कब्जा नहीं करा, इन्होंने डीएचए के जो प्लॉट्स हैं ये सब कब्जा ग्रुप्स हैं अवैधभावे ना पाकिस्तान में जो सबसे पॉश सोसाइटीज हैं भारत सरकार से दिए थे ऑलरेडी तो उड़ाते थे दखल देते थे बड़े-बड़े जनरल बड़े ब्यूरोक्रेट्स बिजनेसमैन डीएचए में रहते हैं। अब मैं इस चीज़ में पढ़ना नहीं चाहता, इसके पीछे हम वीडियो इसके बारे में हम वीडियो पहले कर चुके हैं। अब मैं आता हूँ, देखिए ये 1947-48 की जंग की हमने बात करी, अब 65 की जंग 1965 जिसमें ये यौम ए दिफा या कुछ ऐसी कुछ मनाते हैं अपना त्यौहार जैसा वहाँ पे पाकिस्तान में कि हमने लाहौर बचा लिया हिंदुस्तानी से और हिंदुस्तानी फौज से काबिज़ फौजों से हमने लाहौर बचा। भाई लाहौर तो बचा बचाया था, लाहौर को क्या परेशानी थी, लाहौर तो बचा बचाया था। आप लोगों ने अटैक करा अखनूर, आप चढ़ दौड़े अखनूर पे, अखनूर अर्स्टवाइल जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का हिस्सा है, आप अखनूर पे चढ़ दौड़े क्योंकि आपको ऐसा लगा कि साहब हम कश्मीर फतेह कर सकते हैं। तो अखनूर पे तो लड़ाई हुई, कश्मीर में लड़ाई हुई, लेकिन दूसरा फ्रंट इंडिया ने खोल दिया पंजाब में, तब आप परेशान हो गए कि इंडियन आर्मी की जहरियत है और ये है, बड़ा एग्रेसिव है। एग्रेसिव साहब अटैक आपने पहले करा था, आपके जनरल्स ऑन रिकॉर्ड हैं, आप पढ़ें उनको ज़रा प्लीज़, आप पढ़ें अपने जनरल्स के व्यूज कि आपके जनरल्स ने क्या लिखा। 1971 अगर आपने हमें दुश्मन मान लिया है तो मेरा काम है साजिश करना आपके खिलाफ, और आपका काम है हमारे खिलाफ साजिश करना, तो आप मुझसे क्या तवक्को रखते हैं। और दूसरी चीज़ आमार कैसे तुम्हें की चावा, तुम जो तुम्हारे बड़ा अपना शत्रु कैसे तो शत्रुता ही पावा। अगर आप ये कहते हैं कि भारत ने साजिश करी है, हवा में साजिशें कभी नहीं होती वैभव, साजिशें जो साजिश होती है ना उसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं। आपने 47-48-49 में ही शुरू कर दिया था कि उर्दू को हम एक लैंग्वेज बनाएंगे जो सारे पाकिस्तान में उर्दू बोलता कौन, इनको उर्दू बोलने की तमीज़ नहीं है। मैं आई वॉच पाकिस्तानी टेलीविजन से यूट्यूब में जितना आता है, इंडिया में तो आती नहीं है, मैं देखता हूँ इनको, इनका प्रोनंसिएशन ख़राब है उर्दू का, दे स्पीक विद अ वेरी हैवी पंजाबी एक्सेंट। पंजाबी एक्सेंट का था वाला। आप क्या कर रहे हो, मिर्जा गालिब अपनी कब्र पे, कब्र के अंदर ही वुड बी टर्निंग इन हिज ग्रेव अगर इन्होंने जो पंजाबियाइज्ड उर्दू कभी सुन ले, वो मीर तकी मीर है, हाली है, ये सब कुछ कुछ थे जो बच गए इनसे, हुए पंजाबीज, पाकिस्तानी पंजाबीज, एंड आई होल्ड देम इन वेरी हाई एस्टीम, स्पेशली फैज़ अहमद फैज़ साहब, उनको कौन भूल सकता है, उससे बड़ा शायर मुझे नहीं लगता कि उर्दू ने पैदा करा है, शामिल अल्लामा इकबाल, शामिल मिर्ज़ा गालिब, फैज़ अहमद फैज़ से बड़ा कोई शायर नहीं है मेरे नज़दीक, लेकिन शायर ही बोलता वो एक्सेप्शन है। इन्होंने तो उर्दू का हलवा बना दिया, इनको आती नहीं उर्दू बोलने, अब इन्होंने ज़बरदस्ती, अब आपने मसलत कर दी ना पूरे देश के ऊपर, आपने मुल्क के ऊपर आपने बोल दिया ना कि आप उर्दू ही बोलेंगे, तो फिर आपने पहले सिंधी को उर्दू सिखाई जिसको आती नहीं थी कभी बोलने, आपने पश्तून को बोला कि तुम भी उर्दू बोलोगे, पश्तून वो बेचारा पश्तो बोलता है, बलोच को आपने सिखा दी, और सबसे बड़ी कॉमेडी आपने पंजाबी को उर्दू सिखा दी, पंजाबी भाषा बात दे। उर्दू लैंग्वेज किसकी थी, महाजर्स की थी, वो इंडिया से लेकर गए थे वहाँ, अब पाकिस्तान लेकर गए वो लैंग्वेज, वहाँ पे उन्होंने लैंग्वेज बसाई, क्योंकि महाजिर तो रीढ़ की हड्डी थे पाकिस्तान के, ये बाकी लोग जाहिल थे, इनको पता नहीं था, महाजिर थे जिन्होंने हु वर द बैकबोन ऑफ द ब्यूरोक्रेसी ऑफ ऑफ द इकोनमी, पढ़े लिखे लोग थे ना महाजिर जो इंडिया से गए थे, इनको तो पता नहीं था कुछ, ये तो ये बड़े रहे और ये इसी में लगे रहे लोग ज़मींदारी में, दे डिड नॉट हैव सो मैनी प्रोफेशनल्स, सारे तो यहाँ से गए। अब क्या हुआ कि इन्होंने ईस्ट पाकिस्तान जो कि अब बांग्लादेश है, ईस्ट पाकिस्तान में बोला कि साहब ये भी उर्दू बोलेंगे, और ये तब की बात है जिन्ना साहब गए थे अपनी तकरीर करने के लिए, तब वहाँ पे ऑब्जेक्शन हुआ था, जिन्ना साहब के सामने ऑब्जेक्शन हुआ था, इन्होंने सोहरवर्दी को जेल में डाल दिया, वैभव बहुत कलाकार लोग हैं, इन्होंने क्या करा कि वहाँ पर बोला बंगालियों से कि तुम उर्दू बोलोगे, बंगालियों ने बोला साहब हमारी जो तहजीब है वो हजारों साल पुरानी है, भाषा सेटा उन्हें हजार बछर पुराना, बंगाली इज टॉक अबाउट रविन्द्रनाथ टैगोर, दे टॉक अबाउट नूरुल इस्लाम, नूरुल दंडो अक्रॉस द बॉर्डर ईस्ट बंगाल, पुराना ईस्ट बंगाल
जिसको अब दैट एरिया ना, विच इज़ वो बहुत पहले ही पार्टीशन हो गया था, ये वेस्ट बंगाल तो हमारा है, वहाँ पे जो अब बांग्लादेश है, ईस्ट पाकिस्तान, उनकी तो हज़ारों साल पुरानी तारीख है। आपने हज़ारों साल पुरानी तारीख को आपने बिल्कुल बोला कि नहीं साहब ये कैंसिल है सर, अब से तुम उर्दू बोलोगे, बंगाली भड़क गए। प्लस अगर मुजीबुर रहमान की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आई थी अपने एरियाज में, या उनकी सिंपल मेजॉरिटी भी आई थी पूरे पाकिस्तान में, तो मुजीबुर रहमान शुड हैव बीन मेड द प्राइम मिनिस्टर। डेमोक्रेसी तो यही कहती है। जुल्फिकार अली भुट्टो को पसंद नहीं आई ये बात, वो वर्ड्स भी ऐसे बोलते हैं ना, ये जबान भी ऐसे बोलते हैं, भूखे नंगे बोलते हैं ऐसा बंगालियों को, दैट्स द वे दे स्पीक अबाउट बंगालीज, छोटे काले, ये क्या करेंगे, इस तरीके से गलत बातें बोलते हैं। फिर कहते हैं कि तुम लोगों ने मुक्ति वाहिनी ट्रेन करी, हाँ करी थी इंडियन आर्मी ने ट्रेन मुक्ति वाहिनी, और रॉ ने करी थी ट्रेन मुक्ति वाहिनी, हमने हथियार पकड़ाए बंगालियों को, हमने सिखाया उनको, हमने सिखाया हथियार चलाना, हमने सिखाया कि ये जो टेलीफोन के तार हैं ये कैसे उड़ाने हैं, कैसे तार काटने, हमने बोला कि बिजली के तार कैसे काटने, रेल की पटरियाँ कैसे उड़ानी है बारूद से, ये हमने सिखाया। लेकिन जो जज्बात थे उसके पीछे वो हमने पैदा नहीं करे। इंडिया इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ मुक्ति वाहिनी। मुक्ति वाहिनी बनी है 30 लाख बंगालियों की गर्दन काटने के बाद, 10 लाख बंगाली औरतों के रेप के बाद, तब बनी है मुक्ति वाहिनी। ऑन रिकॉर्ड हैं पाकिस्तान के बड़े फेमस जर्नलिस्ट हैं, कॉलम निगार हैं, मैं उनको बहुत फॉलो करता हूं, हसन निसार साहब, और उन्होंने बोला नाजायज बच्चे, लाख से ज्यादा नाजायज बच्चे पैदा हुए, वो औरतें जिनके साथ रेप हुआ, प्रेग्नेंट वुमेन के पेटों में आपने बैनेट मारे, वो सब, ये मैं नहीं बोल रहा, मैं पाकिस्तानियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी रिपोर्ट है होमदूर कमीशन रिपोर्ट, आप पढ़ें उसको, रिपोर्ट अपने जज की रिपोर्ट पढ़ें, ওদের এলাকার রিপোর্ট, ওরা তো আমাদের কে ছেড়ে দেয়, আমাদের বই খাতা ও বিশ্বাস করে না, हम तो इंडियन हैं, हमारी बात छोड़ें, आप अपनी बात करें, अपने जर्नलों की किताब पढ़ें कि आप लोगों ने क्या करा बंगालियों के साथ, फिर आप कहते हैं हमने मुक्ति वाहिनी बनाई, এরপরও বলো যে ওদের সাথে বন্ধুত্ব করতে তো বাঙালিদের একটু হলো বাদ। आप किसी के हाथ में हथियार पकड़ा सकते हैं, ट्रिगर दबाने का जज्बा उसके दिल में होना चाहिए। ট্রেনিং তো যে কেউ দিতে পারবে, কিন্তু ট্রিগারটা দাবানোর সাহসটা তো মনের মধ্যে থাকতে হবে, সেটা বাঙালিদের মধ্যে ছিল, উনি বদ্দুয়া সেটাই উনি বলতে যাচ্ছেন। इसलिए ईस्ट पाकिस्तान आज बांग्लादेश है, ये सच है। जनरल टिक्का खान ने क्या बोला, जनरल टिक्का खान ने यह बोला कि मैं बंगालियों की नस्ल बदल दूंगा। पाकिस्तानी आर्मी ऑफिशियली ऑर्डर्ड द रेप ऑफ बंगाली वुमेन, होमदूर कमीशन रिपोर्ट में लिखा है, इट्स ऑन रिकॉर्ड ऑफिशियली, तारा आपके जर्नल ने जिसको बुचर ऑफ बंगाल कहते हैं, और बाद में वही आपने उसको माथे पे जो चढ़ा दिया, आपको लगा कि ये भी गजनवी और गौरी टाइप का ही है, आपने उसको माथे पे चढ़ाया, उसने जाके वो बाद में बुचर ऑफ बलूचिस्तान बना टिक्का खान। तो इनको, इनके हीरोज ऐसे हैं पाकिस्तान में। टिक्का खान ने पूरा साफ कर दिया मामला वहां पे, ऑपरेशन सर्च लाइट, रात को बंगालियों के घर में घुस घुस के मेरे पाकिस्तानी जनरल, आई थिंक इट वाज टिक्का खान ओनली इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, पाकिस्तानी ऑफिसर्स को लेक्चर दे रहा था और बोल रहा था अब मैं आ गया हूं, अब मैं बंगालियों की नस्लें बदल दूंगा। एक बंगाली ऑफिसर था उसमें, क्योंकि ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तानी की थे, उसमें बंगाली ऑफिसर्स भी थे, और उस बंगाली ऑफिसर ने जब सुना कि ये हमारी औरतों के बारे में ऐसी बुरी बात कर रहा है, उसके पास पिस्टल थी, वो गया एक कमरे में, उसने पिस्टल निकाली, अपने सर पर रखी और उसने ट्रिगर दबा दिया, उसने खुदकुशी कर ली उस बंगाली ऑफिसर ने। ये ऑन रिकॉर्ड है, एक पंजाबी ऑफिसर है, मुझे उसका नाम याद नहीं है, और मैंने ढाका डूबते देखा, उसने किताब लिखी जिसमें वाकया है। ये जो भी मैं बातें कह रहा हूँ, आप खुद के जो आपके जर्नल हैं, खुद के आपके आला अफसर हैं, खुद के ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनकी जवानी या कहानी सुनिए। अब हम आ जाते हैं 1999 कारगिल पे। कारगिल की स्टोरी क्या है, मैंने टीवी शो भी करी थी उसके ऊपर, मैं फिर से एक बार, ये पाकिस्तानियों को जानना ज़रूरी है कि कारगिल क्यों हुआ। इनको लगता है कि कश्मीर हमारी शहर आ गई, ये डायलॉग जो इनको बचपन से सिखाते आ रहे हैं ना, जहर घोलते आ रहे हैं इनके रगों में, कश्मीर हमारी शहर आ गए और हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ इनके कख इनके बस का नहीं है। कारगिल
कारगिल की वजूहत सियाचिन ग्लेशियर थी और उसका सराउंडिंग एरियाज, ये काराकोरम, नुब्रा वैली और इधर सियाचिन है। जब 1984 में इंडियन आर्मी सियाचिन गई और वहां पे तिरंगा लगाया तो एक यंग ऑफिसर था कुमाऊं रेजिमेंट का, मेरी रेजिमेंट का, उस ऑफिसर का नाम था कैप्टन संजय कुलकर्णी। दैट ऑफिसर लेटर बिकेम लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, ही वॉज डायरेक्टर जनरल इन्फेंट्री एंड द वॉर हीरो, बड़ा शेरदिल अफसर। एट अ यंग एज ही वेंट टू सियाचिन, ही टुक ओवर सियाचिन। एक उनको बोला था कि तुम रेडियो साइलेंस मत तोड़ना, रेडियो साइलेंस मत तोड़ना यानी कि रेडियो पे बात मत करना क्योंकि पाकिस्तानी सुनेंगे, उनको पता लग जाएगा। पाकिस्तानियों को ऑलरेडी प्लान था सियाचिन कैप्चर करने का, उस पर मैं थोड़ी देर के बाद आऊँगा। रेडियो साइलेंस क्यों तोड़ा कैप्टन संजय कुलकर्णी ने, क्योंकि एक जवान था जिसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और उनको ये लग रहा था कि जवान मर जाएगा, जिंदा नहीं रहेगा ये। उन्होंने मजबूरी में रेडियो साइलेंस तोड़ा, तब पाकिस्तानियों को पता लगा कि इंडियन आर्मी सियाचिन में आ चुकी है और सियाचिन कैप्चर हो चुका है। इंडिया को कैसे पता लगा कि पाकिस्तान सियाचिन में आने वाला है? क्योंकि पाकिस्तान ने 2,000 या 2,500 एक्सट्रीम कोल्ड वेदर की क्लोदिंग और इक्विपमेंट का ऑर्डर दिया था एक लंदन के डीलर को। लंदन ने एक कंपनी के डीलर के बिना उससे ये पूछे कि तुम और किसको सप्लाई करते हो, कपड़े चोपड़े पर शेगला ऑर्डर दिसलो। सच्ची बात तो ये है कि वो इंडिया को भी सप्लाई करता था, तो शे जादर के ऑर्डर दिसलो तारा बाबा। उस डीलर ने अपने दोस्त से बात करी कि मुझे इतना बड़ा ऑर्डर मिला है। वो दोस्त था रॉक एजेंट, उसने आर्मी हेडक्वार्टर फोन करा या इंडिया फोन करा होगा उसने और बताया होगा कि सब ये स्टोरी है, मुझे नहीं पता इसका मतलब क्या है पर मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई है। तो उन्हें এখানে যেটা বলতে যাচ্ছে যে পাকিস্তান সেনাবাহিনী থেকে একটা বিশাল বড় অর্ডার হচ্ছে 2,500 এর একটা কাপড়ের অর্ডার, সেটা হচ্ছে ঠান্ডায় অতিরিক্ত ঠান্ডায় যে কাপড় পরে সেইগুলো হচ্ছে লন্ডনের একটা কম ডিলারকে দেওয়া হয়, যে ডিলার আবার ইন্ডিয়ান আর্মিকেও সাপ্লাই করত। তো সে তখন সামহাও বলছে যে তার ফ্রেন্ডকে বলছে, ফ্রেন্ডকে বলেছে যে স্যার এরকম পাকিস্তান থেকে এরকম আমাদের কাছে অর্ডার আসছে এরকম ঠান্ডার কাপড়টা পরে। তো তখন সে আবার পাকিস্তান ইন্ডিয়ান আর্মিকে আবার সে তো রয়্যাল এজেন্ট ছিল, তো সে আবার ইন্ডিয়ান আর্মিকে জানিয়ে দিয়েছে যে স্যার এটার মানে মিনিং আমি বুঝতে পারছি না, বাট তারা কিন্তু এরকম একটা অর্ডার দিয়েছে, যার কারণে কিন্তু ওনারা অলরেডি ওখানে জানতে পেরেছে, মানে ধারণা করেছে যে ওখানে তারা আসতে পারে, সেজন্য কিন্তু তারা আগে থেকে ইন্ডিয়ান আর্মি ওখানে যে প্রস্তুত ছিল। কে পাকিস্তান নে বহুত বড় অর্ডার দিয়া এক্সট্রিম উইন্টার ক্লোদিং কা, তব ইন্ডিয়া কো পতা লাগা হো না হো ইয়ে সিয়াচেন কে উপর কব্জা করনে কি বাত কর রহে হ্যায়। তব ওয়াহাঁ পে হমনে মুভ করি ইউনিটস অর ও ইউনিটস ওয়াহাঁ পে গই অর পহলে টিম লেকার গয়ে থে ফার্স্ট পারসন টু হয়েস্ট দ্য ট্রাইকলর বেলাফন্ডলা পে, দ্যাট ইজ ক্যাপ্টেন সঞ্জয় কুলকার্নি লেটার লেফটেন্ট জেনারেল, মেরি রেজিমেন্ট কে। অব পাকিস্তান নে ওয়াপিস অ্যাটাক করনা শুরু করা, কাউন্টার অ্যাটাক, পাকিস্তান কাউন্টার অ্যাটাক করছে। ফির বানা পোস্ট কি কাহানি হুই, জো কায়দে আজম পোস্ট থি, কায়দ পোস্ট থি, वो बाना पोस्ट बनी जिस पे सूबेदार बाना सिंह ने अटैक करा और अटैक लीड करा, परमवीर चक्र मिला उनको। वहां पे झोंक दिया पाकिस्तानियों ने फौज कि किसी भी तरीके से भारत को सियाचिन से फेंको। एक बार इंडियन आर्मी बैठ गई तो अब तो 84 से लेकर अभी हम अब तक हैं, तो आप समझ लीजिए कितने साल हो गए। इंडियन आर्मी वहां से हटी नहीं और आज की तारीख में एक पाकिस्तान की ब्रिगेड है जिसको पाकिस्तान कहता है सियाचिन ब्रिगेड। मैं पाकिस्तानियों को वाजे तौर पे बता दूं कि आपकी फौज का एक बंदा सियाचिन ग्लेशियर के एक स्क्वायर फुट पे भी नहीं है। देयर इज नो पाकिस्तान आर्मी ऑन सियाचिन ग्लेशियर, इट इज ओनली द इंडियन आर्मी। ये नीचे कर दूं मैं, ये उसी को सियाचिन मानते हैं, ये लाहौर को सियाचिन बोलते हैं। अब वो ब्रिगेड कमांडर था जिसने जिसको एक काम दिया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कि तुम हटाओ किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके से भारतीय सेना को, इंडियन आर्मी को हटाओ सियाचिन से। उसने बंदे झोंक दिए अपने और कई सौ पाकिस्तानी उसने सोल्जर्स मरवा दिए, लेकिन सियाचिन हमारे हाथ से मरा। उसने बेनजीर भुट्टो को एक प्रपोजल दिया कि हमें कारगिल पे अटैक करना चाहिए क्योंकि कारगिल से रास्ता जाता है हाईवे 1 अल्फा सियाचिन, हम इनकी सप्लाई लाइन काट देंगे, वो भूखे मर जाएंगे सियाचिन में,
इंडियन सोल्जर्स और ऑफिसर्स भूखे मर जाएंगे, फिर हम पैदल चलते चलते प्रपोजल बनाया। बेनजीर भुट्टो ने बोला ऐसी बेवकूफी मत करो, इंसान के बच्चे बनो, डोंट डू दिस। वो ब्रिगेडियर अब तक जनरल बन चुका था, फिर उस ब्रिगेडियर ने एक बार और जब वो डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस बना, डीजीएमओ, उसने फिर कोशिश करी, फिर प्रपोजल दिया, फिर ये प्रपोजल शूट डाउन हो गया। लेकिन एक दिन वो ब्रिगेडियर सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते पाकिस्तान की रैंक्स की, एक दिन वो बन गया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी। उस ब्रिगेडियर का नाम था ब्रिगेडियर परवेज मुशर्रफ। परवेज मुशर्रफ ने इसीलिए कारगिल की लड़ाई लड़ी क्योंकि वो चाहता था कि सियाचिन को आइसोलेट करें, लेकिन वो भूल गया था थॉइस एयरबेस है वहां पे, और रस्ते हैं, आपको कारगिल जाने की जरूरत ही नहीं है, मैं सियाचिन गया हूं, यू डोंट नीड टू गो टू कारगिल, कारगिल एक तरफ है, आप खरदुंगला से नीचे, सीधा नीचे आप खरदुंगला से नीचे आइए, यू कैन रीच सियाचिन, 5-6 घंटे में आप सियाचिन पहुंच जाते हैं। मैं बेस कैंप की बात कर रहा हूँ। तो फिर आप क्या कट ऑफ कर रहे हैं? ये इन्होंने एज यूजुअल, पाकिस्तानी प्लानिंग इज वेरी अग्रेसिव, पाकिस्तानी आर्मी की जो प्लानिंग है ना, मैं 30 सेकंड में ये भी बता दूं, वे बहुत अग्रेसिव प्लानिंग है, बहुत आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है पाकिस्तानी आर्मी की, बट दे लैक द विल पावर टू यू नो कैरी इट फॉरवर्ड, कैरी इट थ्रू। ये लोग सोचते हैं T20 का मैच है, वो भाई जंग T20 नहीं होती, जंग टेस्ट मैच है, 5 दिन धूप में खड़ा होना पड़ता है, तब जाके वो जीते हार का फैसला होता है। बड़ी ऑडेशियस इनकी प्लानिंग है, ये कर दो यहाँ से ये आ जाएगा, ये होता जाता कुछ नहीं, क्योंकि दे डोंट हैव द, ईदर दे डोंट हैव द डेप्थ और दे डोंट हैव द मैच्योरिटी, ये बार बार ये गलती करते हैं। तो ये इनकी हार है 1999 में। इन्होंने क्या हासिल करा कारगिल में? आपको हासिल क्या हुआ कारगिल से? आप ये एक बात सोच के बताए ना कोई पाकिस्तानी, आपको हासिल क्या हुआ? आपने अटैक करा, नवाज शरीफ को जाना पड़ा, बिल क्लिंटन से मिलना पड़ा, आपकी फौजों की लाशें तो हमने गाड़ी हैं फौजियों की, देयर आर पिक्चर्स अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, आप देखें। आपको क्या हासिल हुआ अपने इंदे मरवा के? आपने इतने बंदे अपने मरवा दिए, आपको क्या हासिल हुआ? आपके जनरल्स ऑन रिकॉर्ड हैं कि आपके 1000 से ज्यादा लोग मारे गए, 1000 से ज्यादा जाने गई क्यों? पाकिस्तानी जानों की बात कर रहा हूँ, हमारे तो 527 को प्राप्त हुए हमारे, पाकिस्तानी कहते हैं सर कि हमारे क्यों? इसलिए पाकिस्तान को यह पता लग गया कि वो कन्वेंशनल वॉर भारत के साथ जीत नहीं सकता, इट कैनॉट बी डन। इसीलिए वो आसिफ गफूर साहब कहते रहते वील गिव यू अ सरप्राइज, हम तो वेट कर रहे हैं सरप्राइज, अभी तक तो किसी ने कोई सरप्राइज दिया नहीं हमें, ना मुझे आगे कोई उम्मीद है कोई सरप्राइज देंगे। पाकिस्तानी बड़े खुश हैं अपनी फौज से, इनकी पूरी फौज सिर्फ ट्विटर पे है, ट्विटर ट्विटर के अलावा, फेसबुक के अलावा इनकी फौज के कुछ बस का नहीं है। इमरान खान को बोल दिया बेवकूफ की तरह बेचारा, हो कि कभी किसी से जहाज मांगता है, जैसे उबर गायब होगा ना, जहाज कभी वो सऊदी अरब का जहाज मांग लिया, कभी किसी का जहाज मांग लिया, यहाँ पे चला गया, वहाँ पे चला गया, इससे बात कर ली, होगा क्या? आप कश्मीर कश्मीर कर रहे हैं, कह रहे हैं मैं सफीर बनूंगा कश्मीर का, मैं एम्बेसडर हूँ कश्मीर का, भाई तू पाकिस्तान का एम्बेसडर बन जा पहले। ये कहते हैं मुझे सफीर बनना है कश्मीर का, कश्मीर कॉज जिसको आप मानते हैं, कश्मीर कॉज मसला है कश्मीर, जितना पाकिस्तानी फौज ने और पाकिस्तानी डीप स्टेट ने उसको हार्म कराया, अगर ऐसी कोई कॉज है तो इट इज़ अनफैदमेबल। इन लोगों ने देखिए वैभव, सीधी सी बात है, अगर मैं हूँ ठीक है और मैं कुछ बात बोलता हूँ और मेरे सपोर्ट में एक चोर आता है, मेरी बात सही हो या गलत हो बात की बात है, अलहदा बात है, मेरे अगर सपोर्ट में कोई चोर आता है तो दुनिया समझेंगे ना चोर का दोस्त चोर है, दैट इज द नॉर्मल इंप्रेशन। मैं कह रहा हूं कश्मीर का मसला पॉलिटिकल हो, मिलिट्री हो, कुछ भी हो, पाकिस्तान की दखल अंदाजी के बाद वो बिल्कुल मसला खराब हो गया, क्योंकि पाकिस्तान की खुद क्रेडिबिलिटी नहीं है। अरे एक ऐसा मुल्क कश्मीर की बात कर रहा है जिसने अपने वजीर आजम को हैंग करा हो, एक को असैसिनेट करा हो, पहले वाले को गोली मारी हो, 4 बार आपके यहां मिलिट्री कूज हो, ये तो बनाना रिपब्लिक है, आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है भाई दुनिया के सामने? जब आप कहते हैं मैं पाकिस्तान से हूं, लोग आपको किस नजर से देखते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है जब वो आपसे बात करते हैं? तो एवरी पाकिस्तानी इज एन एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान, लाइक एवरी इंडियन इज एन एम्बेसडर ऑफ इंडिया। हमारी तो अच्छी बातें बुरी बातें हम ऑन करते हैं, ये ऑन नहीं करते। अब देखिए
अंदरूनी मसला है पाकिस्तान का, हमें को कहने की जरूरत है नहीं इसमें, लेकिन फिर भी बता देता हूँ 16% इनका एसेंशियल फूड आइटम्स का इनका इन्फ्लेशन है पाकिस्तान में। अफगानिस्तान का 8 है, इंडिया का 3 और बांग्लादेश का आई थिंक 6 और समथिंग लाइक दैट। एसेंशियल फूड आइटम्स का इन्फ्लेशन है उधर अनेक बेसी, यू नो अफगानिस्तान है तो कुछ और परो को मोर देन 10 और 12 लाख पीपल पिछले साल भर में अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार है पाकिस्तान में, क्योंकि सिर्फ 20 करोड़ की आबादी है उनकी, 20 तो 10-12 लाख इज अ बिग फिगर फॉर देम राइट। 88 लाख पीपल हैव अगेन गॉन बिलो द पॉवर्टी। सी गरीब हिंदुस्तान में भी हैं, पर आपको हर साल इंप्रूवमेंट दिखानी है ना, आपको हर साल बोलना है कि साहब ठीक है हमारे बड़े सारे बंदे गरीब हैं, लेकिन एवरी ईयर हमारे इतने हजार बंदे या इतने लाख लोग जो हैं हमारे शहरी वो पॉवर्टी के बाहर आ गए हैं। ये दिखाता है कि कंट्री कितनी सीरियस है, पाकिस्तान नेगेटिव में जा रहा है, इनको कश्मीर की पड़ी, और हमारे लिए अच्छी बात है वैभव, ये कश्मीर कश्मीर करो तभी तो जाहिल रहेंगे लोग। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर खड़े होके बोलता है मैं कश्मीर का एंबेसडर, पाकिस्तान का एंबेसडर हो गए भाई साहब। आपको वोट किसने दिया था? आपको पाकिस्तानियों ने वोट दिया था, आप पाकिस्तानियों की बात ही नहीं, जिन लोगों ने आप जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी है जिनके लिए आपने बोला, आपने क्या ये बोला था कि नया कश्मीर बनाएंगे? आपने तो ये बोला था ना नया पाकिस्तान बनाएंगे, बन गया नया पाकिस्तान आपका, कोई बन भी नहीं सकता, सारा झूठ पे है ना मामला, आपने लोगों को चूरन खिला दिया। ऐसा नया पाकिस्तान बनाया है वैभव, इतना खूबसूरत पाकिस्तान बनाया है कि 5 से लेकर 2.5 पर आ गई इनकी जीडीपी, दैट्स इट, बन गया नया पाकिस्तान। नया तो उसने नया प्रॉमिस करा था, उसने बेहतर पाकिस्तान प्रॉमिस नहीं करा था इमरान खान ने, उसने नया बोला था भाई 5 से 2.5 पे आ गया, नया हो गया, तो आपने देखा नहीं है सर। अब देखिए वापस आता हूँ उन लोगों से जो मुझसे कहते हैं सोशल मीडिया पे कि साहब आप जो कहते हैं ना कि मेजर साहब जहर क्यों इतना जहर, फिर कहता हूँ शुरुआत कहाँ से हुई थी। आपने सवाल पूछा, हमने जवाब दिया, हमने जवाब दिया, फिर आपने बोला कि साहब आप जवाब इतना जोर से क्यों देते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। आप भारत के बारे में झूठ बोलेंगे आपको भारत से रिस्पांस मिलेगा, आप झूठ बोलना बंद कर दीजिए हम भी अपनी दुकान बंद कर देते हैं, क्या फर्क पड़ता है। आप यही तो कहते हैं ना कि नफरत की दुकान चलाते हो, तो हम अपनी दुकान बंद कर लेते हैं ना, मान लेते हैं आप कह रहे हैं दुकान है, आपने बोला साहब ठीक है लो शटर डाउन कर दिया, कल से मोहब्बतों की बात करते हैं। लेकिन दहशतगर्द कौन भेज रहा है भारत में? लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, हरकतुल अंसार, इन सब के चीफ कौन हैं? हाफिज सईद कश्मीरी तो नहीं है? हाफिज सईद पंजाबी है ना, मौलाना मसूद अजहर पंजाबी है, पाकिस्तानी पंजाबी, पाकिस्तानी पासपोर्ट्स हैं इनके पास। फिर आप मुझसे कहते हैं कि मैं नफरत की दुकान चला रहा हूं, वहां पे इलेक्शन वो लड़ रहा है हाफिज सईद, तो खुद थोड़ा सोचें कि आप क्या बात कर रहे हैं। और ये देखिए आप सवाल पूछते रहेंगे यहां से जवाब आता रहेगा, साफ सीधी बात है ठीक है। आप ये सोच रहे हैं कि आप मेरे ट्विटर के अकाउंट को आप रिपोर्ट करेंगे, मास रिपोर्ट करेंगे, आप मेरे ट्विटर के अकाउंट को आप उसको सस्पेंड करवा देंगे कुछ समय के लिए, डिफेंसिव ऑफेंस का अकाउंट है, वैभव सिंह का अकाउंट है, आपने परमानेंटली सस्पेंड करवा दिया, इससे से होगा क्या? खुद अपने दिल से पूछिए इससे होगा क्या? हम लोग बनाते हैं कंटेंट, ये जो रिकॉर्ड हो रहा है कैमरा के सामने रिकॉर्ड हो रहा है, क्या हुआ? आपने डिफेंसिव ऑफेंस का अकाउंट बंद करवा दिया, मुबारक हो आपको, फिर क्या होगा? ये कैमरा भी बंद हो जाएगा क्या? आपने वैभव सिंह का हैंडल बंद करवा दिया, तो मैं कहना चाहता हूं तुम कितने हैंडल मारोगे, हर घर से हैंडल निकलेगा। ये इसका कोई अंत नहीं है, ये चलती रहेगी। ट्विटर पे रोकेंगे, फेसबुक पे रोकेंगे, ये यूट्यूब पे जाएगी, इंस्टाग्राम पे जाएगी। और अगर आप सब कुछ रोक देंगे, आप कैमरा तो रोक नहीं सकते, हमारे कितने लोग हैं बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं, क्रिकेट के सेलिब्रिटीज हैं, जिनकी ट्विटर फॉलोइंग इमरान खान से कहीं ज्यादा है, किसी को बोल दो लिंक ट्वीट कर दो, मटेरियल पहुंचना है ना, कंटेंट पहुंचना है, कंटेंट कैसे भी पहुंच जाएगा, इसको रोकने का आपके पास कोई तरीका नहीं है। ठीक, चाहे लेके हुआ तो देयर इज नो वे यू कैन विन,
आप कोशिश कर लीजिए। हमारा मुल्क 130 करोड़ का है, आप ज़रा आंख बंद करिए अपनी, मेरे पाकिस्तानी भाइयों बहनों आंख बंद करिए और सोचिए, ज़रा एक फिगर अपने दिमाग में लाइए, 130 करोड़ आशुले तो 20 कोटी है, कुत्ता 130 कोटी है, चूहा और उसके बगल में एक बहुत बड़ा हाथी बैठा है। अब आपको कंपैरिजन पता लग जाएगा, जितनी आपकी टोटल पॉपुलेशन है ना, उतने हमारे बच्चे प्राइमरी स्कूल जाते हैं। तो इसके पहले कि आप ये सोचें कि ट्विटर वोटर ये सब छोटी चीज़ें हैं, ट्विटर सिर्फ एक जरिया है, ट्विटर रास्ता है, मंजिल कुछ और है। किसी और को हम ये रिकॉर्ड करके 10 पेन ड्राइव लेके अपने 10 दोस्तों को बोल देंगे कि आप अपने यूट्यूब चैनल में डाल के आप ट्वीट करिए, आप रोक लेंगे क्या? जश्न मनाना है मना लीजिए, दूसरा वीडियो आ रहा है। অনেক বড় ভিডিও কিন্তু অনেক ভালো একটা ভিডিও ছিল না আসলে এটা এরকম একটা ভিডিও মানে মেজর গ্রুপ হচ্ছে ওনার টুইটারে কিছু পাকিস্তানিরা প্রশ্ন করেছিল যে আপনি কেন পাকিস্তানের প্রতি অ্যাগ্রেসিভ, এই বিষয় নিয়ে উনি আসলে খোলাখুলি কথা বলেছে এবং উনি বলেছে যে যে সমস্ত পাকিস্তানি ভাই বোনেরা তাকে টুইট করেছে তারা আসলে ভদ্র ভাষায় টুইট করেছে, সেজন্য উনিও ভদ্রভাবে আসলে আনসারগুলো দেওয়ার চেষ্টা করেছে এবং টোটাল হিস্ট্রিটাই উনি বলেছে কেন উনি অ্যাকচুয়ালি পাকিস্তানের প্রতি মানে অ্যাগ্রেসিভ মনোভাবটা ওনার আছে। পাকিস্তান যে সমস্ত উনি ডাইরেক্টলি আসলে জনগণের সাথে তার তো কোনো অ্যাগ্রেসিভ বা মনোভাব নাই, জনগণের সঙ্গে ওনার অ্যাগ্রেসিভ ভাব নাই, উনি একজন সৈনিক, সৈনিকের সাথে তার সৈনিকের সঙ্গে যে ধরনের সম্পর্ক সেরকমই আছে। তো আমি বলবো যে ওভারঅল তারা যতবার পাকিস্তানি আর্মিরা যতবার যুদ্ধ লড়তে গিয়েছে ইনক্লুডিং আমাদের বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পর্যন্ত সময়েও, তো সেই সময়তেও কিন্তু তারা হেরে গেছে, সব ক্ষেত্রেই কিন্তু তারা হেরে গেছে। তো তাদের প্ল্যানটা মেজর গ্রোবারিয়া যেমন বলছিলেন, উনি বলছিলেন কিন্তু যে তাদের প্ল্যানগুলো কখনো হচ্ছে যে মানে শক্তিশালী কোনো প্ল্যান হয় না, তাদের রাগ উঠে গেছে, তাড়াতাড়ি করে কিছু একটা করতে হবে তাই করে ফেলে, মানে টি-20 ম্যাচের মতো আর কি শর্ট করছে। হ্যাঁ, উনি যেটা বলছে যে টি-20 ম্যাচ আসলে যুদ্ধক্ষেত্র কখনো টি-20 ম্যাচ হয় না, এটা হবে হচ্ছে টেস্ট ম্যাচের মতো একটা লম্বা ম্যাচ হবে, কিন্তু পাকিস্তানি আর্মিরা চিন্তা করে না আমি যেটা চাইছি এটা আমার এখনই লাগবে, এখন এটা করতে চাই, আসলে এইভাবে তো হয় না, আর মাথা গরম করলে চলবে না, মাথাকে ঠান্ডা রেখে কাজ করতে হবে। আর কাশ্মীরের যে ব্যাপারটা আমরা আসলে এত কিছু জানতাম না, কিন্তু যে রাজা কিন্তু লিখে দিয়ে গেছিলো যে ইন্ডিয়ান আর্মিদের কাছেই দিয়ে গেছে, তো সেক্ষেত্রে আমার কাছে মনে হয় যে তারা আসলেই অকুপাইড করে রেখেছে যে জায়গাটাকে তারা বলছে যে তাদের, সেটাও কিন্তু তাহলে এক লিখিতভাবে কিন্তু ইন্ডিয়ার পক্ষে চলে যায়, তো সেক্ষেত্রেও জানি না তারা এখানে আবার ইউনাইটেড নেশনের আবার এরপরে একটা হ্যাঁ একটা যে যতদূর পর্যন্ত হয়েছে মানে ইন্ডিয়ান আর্মি যতদূর পর্যন্ত যেতে পেরেছিল ততদূর পর্যন্ত একটা লাইন অফ কন্ট্রোল দিয়ে বাকিটা পাকিস্তানের পক্ষে দিয়ে দিয়েছে, বাকি আর অবশিষ্ট অংশটা ইন্ডিয়ার পক্ষে চলে গেছে, তো এখন ওভাবে চলছে। এখন বাকিটুকু নেওয়ার জন্য পাকিস্তানের এতটা উতলা হওয়াটা আমার কাছে মনে হয় যে একটা ফয়সলা তো হয়ে গেছে, যে যেমন আমাদের সাথে ফয়সলা হয়ে গেছে, এখন তো আর তারা আমাদের কাছে আসতে পারবে না যেমন, এবং আমরা তো একেবারে স্বাধীন রাষ্ট্র ঘোষণা করেছি, কিন্তু কাশ্মীরের ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে যে তারা স্বাধীন রাষ্ট্র কিন্তু ঘোষণা করতে পারে ইন্ডিয়ার সঙ্গে এক দেশে আছে, তাদের রাজা যেহেতু সেখানে সিগনেচার করে তাদের হাতে সঁপে দিয়ে গেছে, সেক্ষেত্রে তারা আসলে ইন্ডিয়ার আন্ডারে, আর আমার কাছে মনে হয় যে স্বাধীন ইন্ডিয়ান হিসেবে এখন কিন্তু বসবাস করছে। হ্যাঁ, আর আমার কাছে মনে হয় যে এটা নিয়ে আর যত বেশি আসলে ময়লা ঘাটা হয় ততই কিন্তু দুর্গন্ধ ছড়ায়, আমার কাছে মনে হয় যে দুই দেশেরই উচিত এই ব্যাপারটাকে তারা স্কিপ করে যাতে সুন্দরভাবে পাশাপাশি রাষ্ট্র হিসেবে সুন্দরভাবে তারা চলতে পারে সেইভাবে। ইন্ডিয়া তো যুদ্ধ ক্ষেত্রে আগাচ্ছে না, তারা সিয়াচেন গ্লেসিয়ারকে রক্ষণাবেক্ষণ করছে এবং তারা তাদের মতো সিকিউরিটি দিয়ে রাখছে বর্ডারে, কিন্তু হামলাটা তো পাকিস্তানি কিছুদিন পর পর করছে, এখন তো আর করছে না, আই মিন তারপরে এখন যদি তারা চায় যে দুই দেশের সরকার কিন্তু যত সম্ভব সুন্দরভাবে যদি আলোচনা করে তাদের মীমাংসা করতে পারে যে হ্যাঁ তোমার পক্ষে যতটুকু গেছে গেছে, আমার পক্ষে যতটুকু এসেছে, আমরা এখন এখান থেকেই সুন্দরভাবে আমাদের ইন্ডিয়া তো এখন সেই অবস্থাতেই আছে, এখন পাকিস্তান চেষ্টা করছে যুদ্ধ লাগানোর জন্য, এরকম অবস্থায় তারা টুইটার ফেসবুক বিভিন্ন জায়গায় আসলে বিভিন্ন ধরনের লেখালেখি করছে, যেটা আসলে খান দেখা গেছে, কিন্তু যখন 370 তোমার রুলসটা উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে তখন থেকে কিন্তু উনি বিভিন্ন দেশে ঘুরে ঘুরে ইন্ডিয়ার বিপক্ষে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করেছে এবং কাশ্মীরটাকে
তাদের কাছে নেওয়ার চেষ্টা করেছে যে সে, এবং উনিও কিন্তু বারবার বলল যে সে কাশ্মীরের অ্যাম্বাসেডর বানানোর জন্য কিন্তু ইমরান খান কিছু কিছু জায়গায় আমি কাশ্মীরের অ্যাম্বাসেডর বক্তব্য দিয়েছেন উনি, তো সেক্ষেত্রে আমার তো মনে হয়েছে যে হাস্যকর এটা টোটালি। উনি ওনার নিজের দেশকেই ঠিক মতো চালাতে পারছে না সেখানে, এই অন্যদিকে নজর দেওয়াটা আমার কাছে মনে হয় যুক্তিযুক্ত না। উনি নিজের দেশটাকে আগে সুন্দরভাবে চালানোর পরে ক্ষমতা যদি তার হাতে আসলে ওইভাবে আসে বা উনি অতটা শক্তিশালী হয় তখন হয়তো বা উনি করতে পারে, কিন্তু এখন নিজের দেশের আসলে জনসংখ্যার যে অবস্থা, তাদের যে জিডিপির যে হারটা কমে গেছে সব কিছু মিলে ওনার আসলে ওদিকে নজর দেওয়া বেশ বেটার। তো মেজর গৌরবের ভিডিওটা আসলে অনেক ইনফরমেটিভ ছিল এবং উনি অনেক গবেষণা করেই আসলে ভিডিওটা বানিয়েছেন, গবেষণা বলবো না, উনি ওনার আসলে বাস্তবিক অভিজ্ঞতা থেকেই ভিডিওটা বানিয়েছেন, যে কারণে হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ওনারা কিন্তু জানে যে আর্মিদের ভিতরে যে যেসব ঘটনাগুলো ঘটেছে আমরা অনেক কিছুই হয়তো জানি না, আমরা জানি যে মুক্তি বাহিনী এটা এটা হচ্ছে বা কাশ্মীরের যে ঘটনাটা, ওনারা হয়তো চাক্ষুষ ওইগুলা ওই লোকজনের সঙ্গে চলাফেরা করেছেন এবং তাদের সান্নিধ্যে আসতে পেরেছেন দেখে অনেক কিছুই জানে আমাদের থেকে বেশি। অবশ্যই তো মেজর গৌরবের ভিডিও এমনিতে আমার ভালো লাগে এবং আজকের ভিডিওটা অনেক ভালো লেগেছে, আর আজকের ভিডিও রিয়াকশনটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের ভিডিওতে একটি লাইক করবেন এবং কমেন্টস করে জানাবেন আর কোন কোন ধরনের ভিডিও আমরা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতে পারি। তো আপনারা সব ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সাবধানে থাকবেন, আজকের মতো আমরা এখানে বিদায় নিচ্ছি।